निर्मल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शाहनवाज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सर आज होम मिनिस्टर वहाँ दौरे पर हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या चुनावों की तैयारी आप कर रहे हैं? विजय जी शायद मेरे से प्रश्न किया आपने जी। हाँ, आज हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जम्मू आए थे, उनको राजौरी जाना था जी, क्योंकि मौसम खराब था यहाँ जम्मू में भी, लैंड करते हुए उनको समय लगा, हम उनको रिसीव करने गए थे जी। राजौरी जाना था लेकिन वहाँ की जो है वेदर कंडीशन होने के कारण नहीं जा सके जी, और इसलिए उन्होंने जाके जो बाकी कार्यक्रम थे राजभवन में उन्होंने जो है सुरक्षा की मीटिंग की, जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखा है। फिर वो जम्मू जो है जीएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी उनके आने का था, शायद आए थे, तो उसके बाद वो वहाँ से लौटे जी। मकसद था कि जो राजौरी में जो इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 मासूम जो हैं हिंदू हैं उनकी हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, उनके जो एक नया ट्रेंड है टेररिज्म का, पाकिस्तानी टेररिज्म का, उसको कैसे डील किया जाए, उसकी उन्होंने पूरी जो है जायजा भी लिया यहाँ आके ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पर उन्होंने जायजा लिया सुरक्षा बल सेना के लोगों से मिलके, और उसके बाद क्या आगे प्लान है, कैसे इसको रोका जाए, किस प्रकार का जो है उसकी जो उन्होंने पूरी योजना बनाई है जिसको उन्होंने घोषित भी किया था। जब हम दिल्ली गए थे उनसे मिले थे तब चर्चा हुई थी, राजौरी के बारे में भी चर्चा हुई, बाकी विषयों के बारे में भी चर्चा हुई, तो उन्होंने बड़ी चिंता दिखाई थी, उन्होंने कहा था अगले हफ्ते मैं आऊंगा, तो इसलिए वो इसी मद्देनजर वो आज आए थे और मतलब काफी सफल उनका दौरा रहा जी। डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ कि आपकी चिंता जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बनी रहती है, लेकिन जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो सरकार ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आज 3 साल बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक नया तरह का टेररिज्म हो रहा है जहाँ टारगेटेड किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है, तो फिर ये तो उल्टा हो गया सर। देखिए विजय जी आप बहुत अनुभवी जो है एंकर हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, देखिए टेररिज्म जो है एक आइडिया है जी, और जहां इसके साथ मजहब जुड़ जाता है तो उसको इतनी आसानी से किल करना जो है आसान नहीं रहता जी। आप देखिए कि आयरिश नेहलिस्ट अभी भी वो आइडिया है पंजाब में 80s में ये शुरू हुआ है, अभी भी सिर उठाता है जी। कश्मीर में भी जो है इसी प्रकार के हालात है, लेकिन इसका अगर इन टोटैलिटी देखें 90s का क्या हालात थे जी, एक मॉब आता था उसके बीच में हजार मतलब दर्जनों के हिसाब से टेररिस्ट होते थे, गन लहरा के आते थे, मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती थी कश्मीरी लोगों चले जाओ, पंडितों चले जाओ, भी तो जा, इस प्रकार की घोषणाएं होती थी, आज वो नहीं है जी। आज टेररिज्म में नए दौर में जो है उन्होंने जो है आया है नए दौर, यानी कि उनकी जो हार ग्राउंड पर हुई है, जीरो ग्राउंड जीरो पर हुई है, भाग रहे हैं, भागते भागते उन्होंने नई स्ट्रेटजी बदली है जी। अभी जब जो ये हाइब्रिड टेररिज्म का जो नया कॉन्सेप्ट आया है जी, पहले टेररिस्ट थे, टेररिस्ट का मतलब था वो पहाड़ में रहता था, उसके हाथ में गन थी, वो सीआईडी की लिस्ट में होता था, ट्रेन होता था और घर से गायब होता था जी। ये टेररिस्ट जो है हाइब्रिड टेररिस्ट जो है वो उसके कुछ बैकग्राउंड नहीं है, उसने पहले कोई क्राइम ज्यादा नहीं किया है जी, वो कहीं अपने मोहल्ले में है बैठा हुआ जी, उसको जो रिक्रूट किया हुआ है, कोई आता है उसको गन देता है और कहता है इस स्थान को रजनीवाला को मार दिया जाए जी, उसको कहता है कि आपको अमरीन भट्ट को मारना है क्योंकि वो जो है आर्टिस्ट है जी, या किसी पुलिस वाले को मारना है, वो अपने बच्चों के साथ जा रहा है, तो इसलिए ये नया ट्रेंड है, ये पेरिस की हार है जो है, और पाकिस्तान ने नई स्ट्रेटजी बदली है जी। और ये देखिए अभी कश्मीर से वो जम्मू की तरफ फोकस किया है, पहले जम्मू जो था जो सेफ रूट था उनका, आपने देखा 3-4 दिन पहले मेरे घर से 1.5 किलोमीटर जो है पहले सिद्धड़ा में जो है 4 टेररिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट जो थे उनको मारा गया, घेर के मारा गया, ट्रक में जा रहे थे जी। लेकिन राजौरी का एक नया ट्रेंड है, ये चिंता का विषय है, सरकार इसमें काफी चिंतित है और इसी के लिए ये सारा जो है अभी प्रबंध किया जा रहा है जी। जी जी डॉक्टर साहब मैं मीर साहब के पास जाऊं, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मेरे को बीपी की परेशानी चल रही थी 20 साल से और आपने कहा ये बीपी ठीक हो जाएगा मैं हार्ट की सर्जरी कर देता हूँ, तो आपने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी अगस्त 2019 में, अब उससे बीपी ठीक नहीं हुआ, मेरा माइग्रेन भी साथ में हो गया है जी। हाँ ये देखे
एक मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा, ये प्रॉक्सी बार है, एक देश पीछे खड़ा है जी। और इसका रूट काज क्या था जी? रूट काज ये आइडिया, भारत में दुनिया के दूसरे नंबर के मुस्लिम जो हैं वो भारत में रहते हैं जी, और कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, ये है। पाकिस्तान में इससे मुस्लिम कम रहते हैं, लेकिन टेररिज्म बाकी देश में क्यों नहीं है जी? और जिहाद के साथ जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? क्यों जम्मू कश्मीर में क्यों है जी? जबकि पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में मुस्लिम रहते हैं जी, उनमें कोई आइडिया? क्योंकि उनको पता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा भारत देश है, हम कोई खास नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में एक व्यवस्था के कारण, स्पेशल स्टेटस 370 के कारण उनको लगता था बेशक हम भारत में है, लेकिन हम 100% भारतीय नहीं है जी, हम स्पेशल हैं जी, हमें आजादी मिल सकती है, हम पाकिस्तान भी जा सकते हैं, हम ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल ले सकते हैं। आज वो आइडिया खत्म हो गया जी। आज इसीलिए आज जो टेररिज्म जो कश्मीरी नौजवान जो है तरक्की और तामीर के रास्ते पर जा रहे हैं, मेजोरिटी में जी कुछ लोग जरूर है। आज जो है वहां पर पूरा टूरिस्ट जो सीजन था, अब मैं देखा बंपर गया ठीक है। आज जो है वहां पर जो रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है। आज ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं घाटी में, मारे जा रहे 180 टेररिस्ट जो हैं वो घाटी में 2022 में मारे गए, ठीक है सर। चलिए इस पर आगे चर्चा करते हैं। पचास कमांडर हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को टेररिस्ट को लगता है कि अगर कोई प्रेजेंस दोनों पर अपने कमांडरों को धकेल रहे हैं जी। पहले आम रिक्रूट जो है उनको धकेला जाता था, ठीक है, 180 में 50 कमांडर है उनके जी। तो ये बताता है कि टेररिज्म नीचे जा रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, लेकिन और स्ट्रांग थोड़ी देनी पड़ेगी, डोज देनी पड़ेगी, माइग्रेन की अब तो आज जो है हो ही जाएगा।